महोबा के कबराई ब्लॉक के खादानों में आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। पिछले ही हफ्ते ऐसी ही किसी जानलेवा दुर्घटना के शिकार हुए कमल सिंह के भाई मनबोधन। मेरा भाई यहाँ पहाड़ में काम कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था पहाड़ के अंदर, तो पीछे से मिट्टी करीब करीब 4-5 ट्राली फट करके गिर गई है। वो यहीं दड़े पर खत्म हो गया है तुरंत, और उसको जो है तो अस्पताल ले गए हैं। जैसे पहाड़ में कोई घटना हो जाती है ये लोग जो है तो तुरंत निकलवा देते हैं। सरकारी अस्पताल में सब ऐसे ढोंगा बनाए रहते हैं कि वो जिंदा था वहाँ ले गए, फलान किया ढिकान किया। लेकिन खतरनाक परिस्थिति में इस तरह का काम करने को मजबूर मजदूरों की हालत और दुर्घटना के बाद मुआवजा न मिलना यहाँ की समस्याओं की ऊपरी परत है। सब लोग खदान में काम करने जाते हैं। सब लोग काम करते हैं, मजदूरी और है ही नहीं है यहाँ पे, खेती किसानी है, सब पहाड़ में काम करते हैं। पहाड़े वाले यहाँ मजदूर है, यहाँ खेती किसानी वाला नहीं है। अभी यहाँ से दिक्कत बहुत सी है, यहाँ थोड़ा ही चलती है, 50 रुपए देते हैं, यहाँ 400-500 लिखाते हैं लोग, मजदूरी 500 देते हैं। अभी उस पट्टर आया था पुलिस वाला, पुलिस पट्टर उससे 500 लिखवाया जबरदस्ती ठेकेदार उनसे, अरे 50 रुपए देते हैं थोड़ा ही यहाँ एक चक्कर के 50 रुपए, गवर्नमेंट 500 रुपए देते हैं यहाँ कहते, मतलब तो 250 दिन भर छाती फारी जाती है, तब कहीं 250 रुपया फायदा होता है। अगर काम नहीं किया जाएगा तो खाएगा इंसान के, तो काम जरूरी करना पड़ता है। यहाँ की महिलाओं की हालत और भी दयनीय है, इनके ऊपर दोहरे काम का बोझ होता है घर से लेकर बाहर तक का, लेकिन उसके बाद भी इन महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दी जाती है। इनकी खदान में काम कर रहे थे ना, हमारे घर में कोनो दिक्कत ही नहीं पहुँचे, तो को बैठी रहा। जैसे अब घर का समेट के गए तो 2-4 बातें सुनी कि भैया लेट हो जाए, फिर आ गए जितना बनी तो कर थे तुम्हारे। ओका आपको कितनी मजदूरी देते हैं? जितना चक्कर है साहब, 50 रुपये ट्राली मिला था। कितना भर लेती है? भर गई 2-3 भैया, 2-3 जने के बीच में झारे बटोरे इतना तक इतनी मिला थी। ओका भर 3 जने डालत बहन, 3 चक्कर भर गई तो 50-50 मिल गई। लेबर खदान में नहीं है तो कह रहे हैं कि लेबर लाओ नहीं, खदान बंद करो, ये मजदूर का पेट काट रहे हैं। मजदूर आदमी हम ढूंढ के अगर लाएंगे, अगर उसके बस के होगा काम करने के लिए तो वो भी करेगा, और नहीं है तो जवाब लगाएगा। ऐसे हमारे पहाड़ मालिक हमारी खदान छुड़ा रहा है, इसके बाद हमको खदान नहीं दे रहे तो कहाँ जाएंगे हम? हमारे ढगेले फिरेंगे ये तो रोड में झाड़ू लगाएंगे। खेती ना होने के वजह से ही मजदूर अपने आप को इस काल के गाल में धकेल देते हैं, और कबराई में इन खदानों के अलावा रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। पहाड़ों के मामले में बताया जाए तो कुछ तो पट्टा है जिनके, तो वो तो चला ही रहे हैं, कुछ अवैध पट्टे भी हैं, वो भी धान नगरी में चल रहे हैं इस टाइम पर। इस तरह के हालत में इन मजदूरों के साथ हर प्रकार का शोषण होता है। खदान इनके काम को ही नहीं बल्कि इनके निजी जीवन को भी उतना ही प्रभावित कर रहा है, खाना पीना से लेकर इनके स्वास्थ्य पर भी हावी है। ऐसे किया जाए तो ये कलर निकलेगा, ये कलर हाथ में, ये बोला ना। खाने में चाहे दाल बनाए, चाहे सब्जी बनाए, चाहे जो कुछ बनाए, वो तो सब में किस किस ही होती है। कितना झाँस मून के धो के बर्तन साफ करके बनाए। क्या बीमारी है? कुछ नहीं, यही बस खांसी ऐसी हो रहा है। जब खोगा ठसकी होगा, कम जुकाम होगा, कम से बुखार आ गया, कम कुछ बनेगा ये मशीन, तब धूल से मकान होगा। किसी को जुकाम होता, किसी को रगड़ा गले में बैठती है तो उस पर गला पिलाता है, किसी को कोई की बीमारी आंखों में जाता है तो आंख की बीमारी, वो तो सब कुछ को यही बीमारी फैलती है। अब उनकी आदत पड़ गई, अब क्या करें? आप आ गए इसलिए मशीन बंद हो गई है, आप जाइएगा 1 घंटे के लिए, मशीन आपको चालू ना खाना कपड़े की इज्जत कोई नहीं इज्जत रही। ऐसा लगता है कि मानो ये दम घोटक धूल इनकी जिंदगी को लील रही है, साथ ही लगातार इस क्रेशर से निकलती शोर के पीछे दबकर दम तोड़ने को मजबूर है इन मजदूरों की आवाज।